परेशान हो गया हूं मैं, कोई इसका वे आउट बता सकता है? मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और इसको मुझे लेके जाना है एक्सेल में, मतलब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, दो तीन पेज तो मैंने टाइप कर लिया और टाइप नहीं हो पा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको शायद लग रहा होगा कि इसके बारे में मैं कुछ बताऊं, मैं एक्चुअली में परेशानी में हूँ। मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हो सकता है कि मेरे पास एक प्रिंटआउट है और प्रिंटआउट में टेक्स्ट को मुझे लेके जाना है एक्सेल में, मतलब जल्दी करना, और मैं तब से परेशान हो गया हूँ। प्लीज़ कोई वे आउट बताइए, आपके पास अगर कोई वे आउट है तो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड, मैं एक्चुअली में प्रॉब्लम में हूँ और मुझे इसको मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है। बट यस, इसी से रिलेटेड है ट्रिक आज का, कि अगर आपके पास कोई स्कैंड डॉक्यूमेंट है, कोई प्रिंटआउट है, इसको आपको लेके जाना है तो करना क्या है, आज के ट्रिक को देखिए, आज के इस ट्यूटोरियल को देखिए बिना स्किप किए हुए, बिकॉज इच एंड एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोगों के पास स्कैंड इमेजेस होता है या तो स्क्रीनशॉट्स होते हैं जहां से हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं एक्सेल में, तो मुझे एक्सेल में चाहिए वो डेटा या वो टेक्स्ट बोल सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम इमेज टू एक्सेल या पिक्चर टू एक्सेल। तो मल्टीपल वे आउट हो सकता है। अगर मेरे पास कोई प्रिंट आउट है तो हम क्या कर सकते हैं, फोटो खींच के या स्कैन करके आई कैन सेंड इट टू माई कंप्यूटर और फिर आगे हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास एक इमेज होना चाहिए, चाहे वो स्कैंड हो, चाहे वो खींचा हुआ हो फोटो या डाउनलोड किया हो, एनीथिंग, बट आई वॉन्टेड ए पिक्चर एंड फ्रॉम दैट पिक्चर विदाउट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल एप्लीकेशन आई वॉन्टेड टू टेक दिस डेटा इन टू एक्सेल। तो कितना टाइम बच सकता है आप सोच सकते हो। ऑफिस में बहुत सारे ऐसे स्कैंड डॉक्यूमेंट होते हैं या कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जहां से हमें टेक्स्ट को लेना पड़ता है और हम लोग मैनुअली करते रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग मैनुअल काम कर रहे हैं, बट व्हाई मैनुअल? जितने देर में हम मैनुअल काम करेंगे उतने टाइम हम और रिसर्च और लर्निंग में लगा सकते हैं और जो काम है उसको स्मार्ट वर्क से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक अमेजिंग मेथड से, एक हिडन मेथड से यू कैन पिक द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम इमेज इनटू एक्सेल। तो चलिए वो अमेजिंग ट्रिक देखते हैं, सिंपल ट्रिक देखते हैं, और इसी तरीके का एक इमेज से जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आई वांटेड टू गेट द टेक्स्ट इनटू एक्सेल। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज मुझे पता है और ऐसा ही होता आ रहा है कि आप लोग वीडियो को ट्यूटोरियल को देखने के टाइम में इतना एक्साइटेड हो जाते हो कि लाइक करना कभी कभी मिस हो जाता है। तो इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल फॉर यू। थैंक यू। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं दिस अमेजिंग ट्रिक। सो मैं आ चुका हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पे एंड दिस इज द इमेज। ये एक स्क्रीनशॉट है जो मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल से लिया हुआ है एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर स्टूडेंट। सो ये जस्ट स्क्रीनशॉट है। आई वांटेड टू टेक द टेक्स्ट इनटू एक्सेल। तो दो वे आउट है करने का, एक तो राइट क्लिक कर लीजिए इसको और कॉपी कर लीजिए, मींस इमेज को कॉपी करना है, एंड देन आई कैन गो इनटू एक्सेल और एक्सेल में जाके आई हैव टू गेट द डेटा। लेट मी शो यू। सो दिस इज माई न्यू एक्सेल फाइल, यहां पर अभी कुछ भी नहीं है। लेट अस गो टू कंट्रोल वी। वाओ, कंट्रोल वी हो गया, बट ये नहीं करना था, ये तो इमेज आ गया। मुझे क्या करना है, इसके डेटा को लेना है। लेट अस डिलीट दिस, डिलीट कर देते हैं। लेट अस गो विद द डेटा टैब, और डेटा टैब में जाके यहां पर आ रहा है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और ये थोड़ा सा कंपैक्ट फॉर्म में आ रहा है मेरे सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे वो एक्सपेंडेड आएगा, बिकॉज मैं एकदम छोटा स्क्रीन साइज यूज कर रहा हूं इसलिए वो कोलैप्स फॉर्म में दिखा रहा है, आपके पास वो एक्सपेंडेड दिखाएगा। सो आई गेट दिस ऑप्शन, यहां पर आ रहा है दिस वन विच इज फ्रॉम पिक्चर, एंड फ्रॉम पिक्चर के राइट साइड में आप देख रहे हो एक एरो है, ड्रॉप डाउन एरो, दिस वन। सो दिस इज शोइंग पिक्चर फ्रॉम फाइल, मतलब आप कोई भी इमेज फाइल को ब्राउज कर सकते हैं, और एक सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर फ्रॉम क्लिप बोर्ड। पिक्चर फ्रॉम क्लिपबोर्ड का मतलब हो गया कि आपके अगर क्लिपबोर्ड में, मतलब कहीं पर अगर पिक्चर को कॉपी करके रखा हुआ है, सो यू कैन यूज दिस ऑप्शन। लेट अस क्लिक ऑन दिस। नाउ जैसे मैंने क्लिक किया, आई एम गेटिंग डेटा फ्रॉम पिक्चर। वाओ,
अब देख रहो, इट्स शोइंग द इमेज और यहां पर कुछ डेटा आ गया है, क्योंकि एज दिस इज एन एक्सेल तो यहां पर कुछ वो टेबुलर फॉर्म में दिखा रहा है कि इस तरह से डेटा आएगा। तो क्या करना है इसको? आपके हिसाब से लग रहा होगा यार ये गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे डेटा आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करता हूं, लेट अस गो टू इंसर्ट डेटा। जैसे इंसर्ट डेटा करेंगे इट्स शोइंग इंसर्ट एनीवे, यस इंसर्ट एनीवे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मेरे पास कुछ ऐसा डेटा आया है इस तरीके से। सो ये रोहन कदम का जो प्रोफाइल का नाम था ड्यूरिंग दिस सेकेंड फेज ऑफ पैंडेमिक, फिर इस तरह से कुछ यहां पर डेटा आ गया। आप देख रहे हो अजीब तरीके से आया है, मतलब आपका अगर छोटा टेक्स्ट होता तब तो काम चल जाता, बट बड़ा टेक्स्ट है तो शायद आपको लग रहा होगा यार ये तो बेकार है, यहां पर कितना मतलब यहां पर आपको कॉपी पेस्ट इधर से उधर डेटा लाके मर्ज करना पड़ेगा और काफी मेहनत लग जाएगा। तो छोटा डेटा के लिए तो ठीक है, बड़ा डेटा के लिए क्या करें? और इसी में तो मैं फंसा हुआ हूं, यही तो प्रॉब्लम मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कैसे करें। और आपको अभी भी लग रहा है कि ये एक ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये मैं आपसे प्रॉब्लम मतलब अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं कि इसको कैसे करें। यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं, इसको किस तरीके से करें, कितने अजीब से आया ये डेटा। अब आप बताओगे कि पावर क्वेरी ये सब बहुत टाइम लगेगा इसको करने में, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, बताइए कैसे करें, इसीलिए तो मैं इसमें फंसा हुआ था। बट एक्सेल इज ऑल अबाउट मैजिक, एक्सेल इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। और जब फ्यूचर इन हैंड्स में आप हो, इस चैनल में हो, मेरे साथ हो, एवरीथिंग इन एक्सेल कैन बी पॉसिबल। तो देखिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा इसको, राइट क्लिक यहां पर इंसर्ट कर देता हूं, यहां पर यूज करता हूं, इक्वल्स टू कॉनकैट। आप बोलोगे ये इतने नए नए फंक्शंस कहां से मार्केट में आ जाता है, ये नया नहीं है, ये पुराना फंक्शन है और लगभग मैंने लगभग मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं बट 2 साल पहले इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और ऐसे भी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कॉनकैट, यू विल बी गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। कॉनकैट क्या करता है, एक ही बार में सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वो ज्वाइन कर देता है। सो मैं क्या करूंगा, लेट अस सिलेक्ट दिस वन और मैं एकदम लास्ट तक चले जाता हूं, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने देखा सारा रेंज सिलेक्ट कर लिया है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सो लेट अस गो टू दिस वन और मैं एकदम लेफ्ट साइड में आपको दिखाता हूं कि पूरा एवरीथिंग इज सिलेक्टेड, जस्ट दिस वन, परफेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या आ गया, यहां पर एक टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस गो टू दिस वन और इसको एक काम करते हैं, होम टैब में जाके इसको करते हैं रैप। नाउ दिस इज अ रैप टेक्स्ट। और सेफ साइड में रहने के लिए क्या करेंगे, कॉपी और वैल्यूज में पेस्ट कर देता हूं ताकि ऑटोमेटिकली मुझे डेटा दिख सके। नाउ लेट अस डिलीट एवरीथिंग, अब मुझे नहीं चाहिए बाकी चीज, डिलीट। एंड यहां पर भी अगर कुछ है तो डिलीट कर देता हूं, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि मेरे को टेक्स्ट समझ में आ जाए, ये देखिए, लेट अस एंटर। देखिए ये फर्स्ट वाला था, एंड देन द रूट्स ऑफ द ट्रू अचीवमेंट विल लाई इन द विल टू बिकम द बेस्ट दैट यू कैन बिकम। और ये पूरा है एकदम, मतलब यहां से अब मैं अपने हिसाब से कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, थोड़ा मोड़ा माइनर करेक्शंस करना होगा, मेजोरिटी ऑफ डेटा मुझे मिल गया। तो ये रहा ना ट्रिक, मतलब फर्स्ट हमने डेटा को फेच किया, वहां पर गंदा डेटा आया, प्रॉपर वे में अरेंज नहीं था, स्कैटर्ड डेटा था, एंड देन विद द अमेजिंग कॉनकैट फंक्शन, छुपा हुआ फंक्शन, उससे हम लोगों ने क्या किया, वी हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, ऑसम। नाउ यू कैन यूज दिस, अब देख रहे हो आप, तो कोई भी इमेज से आप इसको यूज कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एक्सेल, और वो एक्सेल जब फ्यूचर इन हैंड्स में आपने अपग्रेड किया है, जब मेरे साथ आप हो तो आई विल नेवर लेट यू डाउन, और आप हमेशा रॉक करेंगे, बिकॉज मैं हमेशा ये बोलता रहता हूं कि मेक योर बॉस योर फैन, हमेशा अपने बॉस को आपका फैन बनाइए अपने इस तरीके मजेदार एक्सेल ट्रिक के साथ। सो फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, कंजूसी नहीं करना है कमेंट में, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, मैं और मोटिवेटेड रहता हूँ, एक और एक्साइटमेंट रहता है, और मैं और अच्छे अच्छे चीजों को रिसर्च करके आपके पास ले आता हूँ।
तो कमेंट्स तो बनता है। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करना भूल गए एक्साइटमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ, लाइक कर दीजिए। एंड इस चैनल में अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल में मैं शेयर करता रहता हूं, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, टाइम घटता है। सो बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। दिस इज विवेकानंद सिन्हा साइनिंग ऑफ।